अच्छी स्थिति आ जाती है तो हम तो युद्ध के लिए तैयार हैं, इससे हमारे सैनिकों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हमारा तो मकसद है युद्ध के लिए तैयार रहना, लेकिन इसका जो असर है वो जो वहाँ की जो आम जनता है, आवाम है, उसके ऊपर बहुत पड़ता है। मेरी प्रायोरिटीज जो होंगी वो सबसे पहले भारतीय सेना का मनोबल ऊपर रखना, हर एक जवान को सहमत कराना कि उसकी कार्रवाई हमारी सेना को मजबूत बनाती है। दूसरी जो मेरी होगी वो ये होगी कि हमारे पास जो हमारी सैन्य शक्ति है, हमारा जो इक्विपमेंट है, हमारे जो हथियार हैं, उसको हम टेक्नोलॉजी के तहत उसमें बदलाव ला सकें, नए हथियार, आधुनिक हथियार अपने जवानों को दे सकें। कैमरे के आ जा रहे हैं। हाँ सर, आगे नहीं।